क्या आप कलर लगाने से डरते हैं या होली खेलने से डरते हैं? आपकी स्किन पे एलर्जी हो जाता है? तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा साबुन जो आपकी स्किन में कोई एलर्जी भी नहीं होगी और आपका कलर बहुत ही आसानी से छूट जाएगा। नमस्कार सखियों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको एलोवेरा साबुन बनाने के लिए और आपकी स्किन पे जो कलर लग जाते हैं उसे छुड़ाने के लिए। हम लेंगे सबसे पहले एलोवेरा प्लांट। इसे हम प्लांट से जब भी आप काटेंगी तो इसमें येलो येलो कलर का भाग निकलेगा। आप इसे पानी में 2 मिनट के लिए रख दीजिए और येलो कलर का भाग निकल जाएगा। उसके बाद कांटे वाले हिस्से को निकाल दीजिए और उसके बाद ऊपर वाला छिलका जो हरा वाला पार्ट है उसे निकालिए और अंदर का जल आपका आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद हम लेंगे, हमने पहले से जेल को निकाल लिया है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो इसे आप इसमें आप डाल के मिलाएंगे तो इसे भी आपका ये जेल के जैसा बन जाएगा। अगर नहीं है तो आप इसे मिक्सी में पीसिए तो मिक्सी में भी जेल आपका आसानी से बन जाएगा। उसके बाद हम लेंगे नारियल का तेल। नारियल का तेल 1 चम्मच, आप किसी भी कंपनी का नारियल का तेल ले सकती हैं। उसके बाद हम लेंगे 1 विटामिन ई का कैप्सूल। इसका ऑयल हम विटामिन ई के कैप्सूल का ऑयल इस पर हम डाल देंगे। अब हम लेंगे इसमें, ये 50 ग्राम है, हमने मिला दिया है। और अब इसमें हम 50 ग्राम के आसपास हम साबुन का बेस लेंगे। इसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट लिया है। अब हम पानी गर्म करने के लिए हम एक पैन में एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिए हैं। पानी गर्म हो रहा है, जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो हमें डीमोटिवेट होते हैं हम। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि होली से या फिर स्किन से किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उससे हम जरूर वीडियो बनाएंगे। आपको होली से कोई भी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस पर हम जरूर वीडियो बनाएंगे। इसके बाद हम लेंगे इसमें इस टुकड़ों को एक और बर्तन में डबल बाउल की सहायता से इसे इसमें हम डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे, पानी काफ़ी उबल रहा है, इसे हम डाल देंगे। 2 मिनट के बाद ये पिघलना शुरू हो जाएगा। सूप बेस पिघल चुका है, देखिए एक लिक्विड के जैसा हो गया है। अब इसमें हमने जो मिला दिया है एलोवेरा और नारियल का तेल मिला के हमने रखा है, अब इसी में हम डाल देंगे और गैस को हम तुरंत बंद कर देंगे। अब इसे हम चम्मच से इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि एक दूसरे में साबुन का बेस और जो ये एलोवेरा वाला लिक्विड है दोनों एक दूसरे में मिल जाए। काफ़ी अच्छे से मिल गया है, देखिए आपको दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से मिल गया है। अब इसे हमें जमाने के लिए हम लेंगे इसमें आइसक्रीम का खाली डब्बा। आइसक्रीम का खाली डब्बा अगर आपके पास सिलिकॉन वाला है तो आप सिलिकॉन वाला भी ले सकती हैं। कब गर्म है किसी पकड़ने वाले चीज़ यार, कपड़े का या फिर पकड़ का आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका हाथ जले ना। अब इसे हम इसमें हम डाल देंगे। आप इसे अगर बहुत ही जल्दी जमाना चाहती हैं तो आप इसे फ्रीज में रख सकती हैं, बहुत जल्दी आपका 10 से 15 मिनट में जम के तैयार हो जाएगा। अगर इसे आप बाहर रख रही हैं तो आपका आधे से 1 घंटे में जम के साबुन आपका तैयार हो जाएगा। देखिए हमने पहले से साबुन बना के, देखिए इतना सुंदर सुंदर साबुन बना के हमने तैयार कर लिया है, ऐसे आपका भी साबुन बन जाएगा। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा के मुझे मोटिवेशन दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आयुर्वेद की चीज़ों की प्रचार प्रसार हो सके और हमें मोटिवेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।